एक सात शब्दों की कविता है मंदिर, एक बार सेट कर दो, बहुत सारे लोग हैं, एक बार सेट कर दो, नहीं बार समझने के लिए बहुत जरूरी है, एक ही बार तो है। आओ चढ़ाओ और जाओ, आओ चढ़ाओ और जाओ, हम सब संभाल लेंगे। मित्रों अगली कविता है केवल 15 शब्द। अभी विनोद जी आए थे गुजरात से, बड़ी चर्चा कर रहे थे। वह उसका शीर्षक ही वह जहां भी जाता है पहले मंदिर बनवाता है फिर मजे से खाता है। वह साथियों एक कविता है जो विवेक जी को समर्पित की है, मैंने घर वापसी में छपी थी, वो उसका शीर्षक है अंबेडकर। चूल्हे की आंच है, दिए की लौ है, क्रांति की ज्वाला है अंबेडकर। अंबेडकर चूल्हे की आंच है, दिए की लौ है, क्रांति की ज्वाला है अंबेडकर। अंबेडकर ममता का मरहम है, करुणा का सागर है, समता की डगर है अंबेडकर। अंबेडकर एकता का दर्शन है, राष्ट्रीयता का मर्म है, मानवता का धर्म है अंबेडकर। अंबेडकर साथियों मुझे 5 मिनट का समय मिला है और मैं चाहता हूँ कि आप सबका ध्यान इस तरफ रहे। एक कविता है वे कभी नहीं मरते हैं। आज जो ये आयोजन हो रहा है रंगारंग भव्य और ऐतिहासिक आयोजन, ये आयोजन ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान रहा होगा, ये आयोजकों को पता है। उसका शीर्षक है वे कभी नहीं मरते हैं। मित्र मैंने चंदे के पैसे क्या मांगे, तुमने समाधि छोड़ दिया। मित्र मैंने चंदे के पैसे क्या मांगे, तुमने समाधि छोड़ दिया। मैं बिना तुम्हारी भावना समझे ही तुम्हें फ़ोन पर संदेशा देता रहा। और उस समय तो तुमने हद ही कर दी जब अपनी जेब में रखे हुए सेल फोन को ही तुमने किसी और को थमा दिया। मित्र अपनी बेटी बेटियों की सगाई के लिए मैंने तुम्हें कर्ज नहीं मांगा। मित्र मैंने अपनी बेटी बेटों की सगाई के लिए तुमसे मैंने कर्ज नहीं मांगा था। और याद रखो उसके लिए तुमसे तो क्या किसी से भी कर्ज नहीं मांगूंगा। क्योंकि मैं उन परंपराओं का चोंगा उतार कर फेंक चुका हूँ जिसके चलते मेरे बंधु बांधव अंधेरे का गट्ठर अपनी पीठ पर होते हुए गर्त में डूब जाते हैं। मित्र मैंने गांव में उस व्यक्तित्व की प्रतिमा लगाने के लिए तुमसे सहयोग भर मांगा था। जिसकी बनाई हुई पगडंडी पर आज मैं तुम और हम सब तोड़े चल जा रहे हैं। मित्र हमसे वे लोग ज़्यादा अच्छे हैं। जो रात दिन गुनाह करके भी मंदिर मस्जिद में अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ मांग लेते हैं। माफ़ करना मित्र मुझे चंद रुपयों का दुख नहीं दुख इस बात का है कि मैं तुम्हें सच बोलने का साहस पैदा नहीं कर सका। अपनी मूढ़ता में तुम्हारी भावनाओं को न भांप सका। मुझे दुख इस बात का है तुमने भी मुझसे वैसा ही सलूक किया जहां मेरे अनाम धन्य विरोधी मेरी लाश पर घी के दिए जलाने को बेताब है। पर बंधुवर
पर बंधुअर शरीर की मौत से विचार कभी नहीं मरते, पर बंधुअर शरीर की मौत से विचार कभी नहीं मरते, वे हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहते हैं। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, नानक, विवेकानंद, गांधी, अंबेडकर और काशीराम बनकर।